दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय इलाकों में होती है। दुनिया के दो तिहाई पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। इनमें से कई तो अभी खोजी जानी बाकी हैं। हालांकि इतने जीव और वनस्पतियां होने का मतलब है कि यहां तमाम परजीवी भी होंगे जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनमें से ज्यादातर मच्छर जैसे कीट हैं। परजीवी इनकी मदद से इंसानी शरीर में घुसकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर किसी मच्छर पर नीमाटोड कीड़ा मौजूद है तो मच्छर के काटने पर यह खून में दाखिल हो सकता है। इससे फिलारियासिस हो सकता है। इस बीमारी में ये छोटे छोटे कीड़े शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं। फिर जब मच्छर फिलारियासिस के किसी मरीज को काटता है तो मरीज के खून से वो खुद संक्रमित हो जाता है। फिर वो किसी और को भी संक्रमित कर सकता है। कुछ नीमाटोड लिम्फ यानी लसीका की नसों में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे लसीका द्रव का प्रवाह सही से नहीं हो पाता। नतीजतन ऊतक सूजने लगते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैर प्रभावित होते हैं। इसी से पैदा हुई समस्या को हाथी पाव कहा जाता है। नीमाटोड बाहें, छाती और जननांग को प्रभावित कर सकते हैं। इनके आंखों में पहुंचने पर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इससे पैदा होने वाले संक्रमण से आंखों की रोशनी जा सकती है। ओंकोसर्काइसिस या रिवर ब्लाइंडनेस जिस परजीवी कीड़े से होती है वो काली मक्खी इंसानों में पहुंचाती है। ये मक्खियां नदी के किनारे उपजाऊ तटों और धाराओं में रहती हैं। ठहरे पानी में एक और परजीवी पनपता है, सरकेरी। इन कीड़ों का लार्वा नए परपोषी की तलाश में रहता है। ये पानी में रहने वाले घोंघों से निकलते हैं। सरकेरी इंसानी त्वचा से शरीर में दाखिल होकर आंत या मूत्राशय की नसों में जा सकते हैं। वहां ये शिस्टोसोम्स नाम के कीड़ों में विकसित हो जाते हैं जो सैकड़ों हजारों अंडे दे सकते हैं। इससे सूजन, जलन, पेट की समस्याएं, डायरिया और मल मूत्र में खून की समस्या हो सकती है। महिलाओं में शिस्टोसोमाइसिस फेलोपिनियन ट्यूब में रुकावट पैदा करता है जिससे बांझपन हो सकता है। प्राचीन मिस्र यानी आज के सूडान में हाथ से लिखी ऐतिहासिक पांडुलिपियों में आंखों की एक आम बीमारी दर्ज है। इसे आज ट्रकोमा कहा जाता है। लाखों लोग बैक्टीरिया से होने वाली इस जलन और सूजन की चपेट में आते हैं। ये अंधा बनाने वाली सबसे आम वजहों में से एक है। हर 5 में से एक व्यक्ति जिंदगी में कभी न कभी इन उष्ण कटिबंधीय रोगों से पीड़ित होता है। राहत ये है कि आज इनमें से कईयों की दवाइयां उपलब्ध हैं। जैसे कभी कभी कोरोना के इलाज में दी जाने वाली आइवरमेक्टिन रिवर ब्लाइंडनेस और परजीवियों से होने वाले अन्य संक्रमण से निपटने में कारगर है। हालिया बरसों में इस दवाई ने दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में रिवर ब्लाइंडनेस से निपटने में बहुत मदद की है। बीमारियों से बचाने वाली दवाएं भी कीड़ों के संक्रमण के खिलाफ कारगर हैं। पीने का साफ पानी भी आपको संक्रमण से बचाता है। हालांकि इन बीमारियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा।